जैसे आपने आज हमसे बात करी अपने बचपन की, ये लगभग 30-40-35 साल पुरानी बात हो गई। आज के दौर में जो आपके पास जो नए जो किन्नर आते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही होता है? पेरेंट्स जो है कुछ समझना शुरू हुए हैं या आज भी पेरेंट्स जो हैं या परिवार जो हमारा समाज की जो सोच है वो उसी लेवल की है? उसी लेवल की है मैम, मैं आज भी यही कहती हूँ, क्योंकि हमारे समुदाय के अंदर बहुत सारे बच्चे आने के लिए खड़े हैं, मगर मैं किसी को भी वेलकम नहीं करूँगी हमारे समाज में। आओ आप मंगलमुखी बनो या किन्नर बनो या बनो, मैं कभी वेलकम नहीं करूँगी, क्योंकि आप अभी बहुत सारे जो राइट्स मिल रहे हैं, राइट्स के साथ साथ बहुत सारे एमिनिटीज हैं फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए, और बहुत सारे जो कन्वीनियंस हैं एजुकेशन को लेके, राइट टू एजुकेशन मिला है, तो आप एजुकेशन करो और आगे बढ़ो। और मेल और फीमेल के साथ एक भारतीय बन के आप कंधे पे कंधे मिला के अपना चलो, अपना भारत की सेवा दो। तो मगर बहुत सारे हमारे किन्नर समुदाय में ऐसे हैं जो सेम मेरे जैसे जो स्ट्रगल उन्होंने भी किए हैं, जो ऐसे आए हैं। तो ये जो हमारा अगर मंगलमुखी परंपरा, अगर किन्नर कल्चर जो संस्कृति अगर चलाने के लिए एक दो की लोड़े, तो इसमें 500,000 लखों की क्या लोड़े। तो ये चाहती हूँ कि सरकार ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रही है। हम जो है आपको बताना चाहेंगे कि एक जो पिटीशन फाइल किया गया था जिसमें किन्नर समाज को एक थर्ड जेंडर का जो दर्जा देने की बात की गई थी, उसमें जो है काजल जी ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो आप अपने उस पिटीशन वाली जर्नी के बारे में भी कोई बात करेंगे कि आपका वो सफ़र कैसा रहा, कितने लोगों का योगदान रहा? अच्छा। और उसका जब आपको जो थर्ड जेंडर का एक दर्जा मिल गया समाज में कानून के हिसाब से, तो अच्छा। उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ? अगर कोई एक किन्नर या ट्रांसजेंडर अपने पेरेंट्स के साथ रह के तो फाइट करना, तो उसमें बहुत ही सपोर्ट मिल जाती है उसे, क्योंकि माँ बाप का भी सपोर्ट मिल जाती है, साथ में समुदाय का मतलब सोसाइटी का भी, तुम्हारे सोसाइटी का भी सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ महफूज है। बट मेरा जो ऐसा जीवन था, ताकि मेरा लाइफ ऐसा था, मैं इसी कम्युनिटी में रह के, किन्नर कम्युनिटी मंगलमुखी कम्युनिटी में रह के, अगर मंगलमुखी विरुद्ध मैंने एक पिटिशन मैंने 2007 में मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब्स फॉर अदर्स, तो मैंने अप्लाई की थी, इसमें पिटीशन फाइल की थी। आई एम अ फर्स्ट ऑफ जैसे पिटीशन नॉर्थ इंडिया से, तो मैंने शुरू की थी। तो उसके साथ बहुत कुछ जितना हो सके उतना लड़ी मैंने, तो उसके बाद उन्होंने मुझे जवाब ये आया कि तुम्हें मेल कैटेगरी में दिया जाएगा। अगर मेल कैटेगरी में हो तो माँ बाप के पास महफूज होते हैं, मेल कैटेगरी में राइट्स लेते हैं, तो हम अदर्स क्यों होना था, है ना, तुम्हारे समाज में महफूज होते थे। फिर उसके बाद उन्होंने हैंडीकैप्ट में दिया जाएगा, मैं बोले हम हैंडीकैप्ट क्यों है, बिल्कुल। तो मैं बहुत सारे लड़ी, फिर उसके बाद जब जब भी मेरा पिटीशन डेट आता है, तो जब जब फ्रंट पेज में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया करता, तो इसके जरिए मेरा जो कम्युनिटी के लोग बहुत विरोध करने लगे, मुझे बहुत कहते ना, मतलब किन्नर समाज के लोग किन्नर समाज के लोग मेरे ऊपर फाइन डालने लगे किन्नर समाज से। फिर उसके बाद पनिशमेंट देने के लिए आगे आए, तूने किसको पूछ के तूने पिटीशन फाइल की? मैं बोली पिटीशन फाइल करना कोई ये मेरे अपने लिए नहीं है, ये आने वाले अपकमिंग फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन, जैसा एक बेटा और बेटी को जैसे एक्सेप्ट करते हैं माँ बाप, ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद उनको एजुकेशन भी मिलेगा, और उसके बाद इक्वालिटी भी होगी, फिर मेन स्ट्रीम्स होंगे। इसके लिए मैंने फाइट करी, ये हमारे लिए नहीं है। वो मजाक भी उड़ाने लगे हमारी जो कम्युनिटी के कुछ लोग, अभी हम इतने बुढ़े हो गए इस कम्युनिटी में रहते हुए, अब हम झाड़ू लगाने जाएंगे, हम लेटरिन धोने जाएंगे। वो मैं बोली
अरे यार हमारे लिए नहीं है, जो आजकल बीए बीकॉम एमए एमकॉम पढ़ पढ़ के सब अपने नो वैकेंसी घर पे बैठे हैं, उनको नहीं मिल रहे तो हमें कहाँ से मिल जाएंगे। ये हमारा कल्चर है, ये परंपरा है हमारा, मगर कोई अगर लिंग में कंफ्यूजन होता है, ऑर्गेन्स में कंफ्यूजन होता है, मतलब उसको थर्ड जेंडर कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं, उनके लिए तो अगर इक्वालिटी होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद मैंने अपने समझाई, तो उसके बाद मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ और बहुत सारे मुझे इंसल्ट किया गया और मुझे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। मैंने बीच में छोड़ दी वो पिटीशन को। अच्छा। हाँ जी, बीच में छोड़ दी, लड़ना छोड़ दी। फिर उसके बाद चलो शुक्र है कि कई साउथ से, कई महाराष्ट्र से, तो संस्था ने लड़े उस पिटीशन को, लड़ते 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 फिर 2014 में हमें मेल एंड फीमेल और अदर्स कैटेगरी, ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर कैटेगरी मिला। तो उसके बाद फिर बाद में 2016 में राइट टू एजुकेशन, राइट टू इलेक्शन, मतलब जैसे एक मेल और एक फीमेल स्टूडेंट्स के साथ एक ट्रांसजेंडर भी अपने एजुकेशन पा सकते, अपनी पहचान के साथ, अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। कितनी खूबसूरत बात। और आपकी बातों में एक जो बात जो हमारे जो सामने आ रही है कि हम बाकी दूसरे समाज को समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हिम्मत और हौसले की बात है कि आप ये देखिए, जब कोई रेवोल्यूशनरी कोई बात करता है, कोई बदलाव की बात करता है, लीग से हट के अपने समाज की तरक्की की बात करता है, तो अपने ही समाज से भी विरोधाभास झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, एक हौसले की बुलंदी जो है वो आप उसका एक लाइव एग्जांपल हैं। सबको आपसे सीखना चाहिए कि देखिए मुश्किलें तो आएंगी, आम इंसान को जब थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो वो घबरा जाता है, लेकिन इतने विरोध के बाद और एक कम्युनिटी जो कि बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है, किन्नर कम्युनिटी, उसमें भी विरोध को झेलना, और बाहर के समाज का विरोध तो है ही है, उससे फतेह होकर के, उससे विजयी होकर के जो है ये बाहर निकली, तो इसमें एक वो कहते ना, कहते कि वो सब कहते थे मुझे, मगर तू पानी में रह के मगरमच्छ से पैर ले रही है, कट्ठा खाएगी दुनिया का, बोले उन्होंने। मैं बोली कोई बात नहीं, ये जिंदगी भी कोई एक जिंदगी है क्या? हाँ, कहते अगर जीना भी है एक डिग्निटी लाइफ, मतलब सम्मान, डिग्निटी फुली लाइफ वी वॉन्ट लाइफ ना, कहते मैं सम्मान भरी जिंदगी जीने के लिए, तो एक बार अगर मौत को पार करके आ जाएंगे क्या हो गया। सही बात है, लखों बार आगे दुनिया में, लखों बार चले गए। देखिए अपनी इज्जत अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा। अपनी जिंदगी की अगर हम कदर, अपने इच्छाओं की कदर हम नहीं करेंगे तो कोई और इसकी नहीं कदर करेगा। जो बात है इसकी बात, जो मेरा गुरु है जो नीलम महंत है, जो वो बहुत सपोर्ट करी मेरे को, कहते ना जो इस कम्युनिटी के अंदर अगर मुझे रह के हिम्मत मिला है, मुझे सपोर्ट मिला है, तो मेरी माँ बन के और मेरी अच्छे दोस्त बन के और मेरे बड़े भाई बन के और मेरे हस्बैंड जैसी भी बन के, मेरी सच्चा दोस्त बन के, तो मेरा गुरु खड़ी रही, नीलम गुरु, नीलम महांते। देखिए अगर विचार अच्छा हो, अगर सोच अच्छी हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था राह पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इन पे खास तौर पे ये बात जो है लागू होती है।